गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अवर टॉपिक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल फर्टिलिटी ठीक है ना ये डिस्कस कर रहे थे हम सॉइल में कौन से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी क्या है अबाउट सेवेंटी एट परसेंट ऑफ़ द एयर अराउंड दस इज नाइट्रोजन गैस ठीक है ना सेवेंटी एट परसेंट हमारे अराउंड क्या है नाइट्रोजन है plants need it mainly for growth but they cannot make it from the atmosphere directly ठीक है ना plants plant growth के लिए nitrogen बहुत जरूरी है लेकिन atmosphere से लगा directly nitrogen absorb नहीं कर सकते तो microorganisms like rhizobium, nostoc, anabena यहाँ पे है दो क्वाड्राइग्राम्स ये क्या है figure a में nostoc है ये nostoc ये bacteria है ऐसा रहता bacteria और फिर बी में देखो नीचे की फिगर में अनाबीना है नो स्टॉक अन अबीना एज डू बैक्टर एक्सेट्रा हेल्प टू प्रोवाइड दिस असेंशियल एलिमेंट टू द प्लांट्स बाई अब्सॉर्बिंग टू फॉर्म सर्टन कॉम्पाउंड दैट कैन बी टेकन बाय द प्लांट्स इन लोग क्या करते हैं एटमोस्फियर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन लोग को अंदर सॉइल में फिक्स करते है. कौन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब सॉइल में जैसे ही फिक्स करते हैं तो सॉइल में कौन रहते हैं प्लांट्स के रूट्स रहते हैं तो रूट्स क्या करते हैं ये एबजॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन तो कैसे आप फिक्स करते देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पी फैमिली और लेग्यूमिनेजी प्लांट्स सच एज पी ग्राम ग्राउंड नोट फिक्स नाइट्रोजन ठीक है ना राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है इन्हें रूट नोड्यूल्स कौन से प्लांट्स के पी पी प्लांट्स सच एज पी ग्राम ग्राउंड नट्स इनमें रूट्स के नोड्यूल्स पे ये ड्राइजोबियम बैक्टीरिया रहता क्या करता है इन्हें एक्टिविटी फाइव है इसके लिए देखेंगे कलेक्ट रूट नोड्यूल्स फ्रॉम ग्राउंड नट्स बीन्स पी ग्राम क्रश पुट द ए ग्लास स्लाइड क्या करना रूट नोड्यूल्स लेके इसको स्लाइड पे रख देना ये प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स थोड़े से कट करके इसको स्लाइड पे रख देना प्रेस इट विद द कवर स्लिप ठीक है ना स्लाइड पे रख के उसको कवर स्लिप से प्रेस कर दो सॉरी अब्जर्व इट अंडर द कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप अब इसको कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप में अब्जर्व कर रहे हो ड्रॉ एंड डिस्कस अबाउट इट विथ योर फ्रेंड्स राइजोबियम कन्वर्ट्स एटमोस्फियर नाइट्रोजन इन नाइट्रेट्स एंड स्टोर इन रूट्स क्या करता है राइजोबियम एटमोसफियर में जितना भी नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता और रूट्स में स्टोर कर देता प्लान्स यूज दिस स्टोरड नाइट्रेट्स प्लान्स क्या करते हैं अब ये नाइट्रेट्स स्टोर कर लेते प्लान्स गिव्स शेल्टर टू राइजोबियम प्लांट्स शेल्टर देते हैं राइजोबियम को देपरेट वन कोऑपरेशन सर्च कॉपरेशन सिम्बायोसिस देखो राइजोबियम क्या कर रहा प्लांट्स को हेल्प कर रहा कैसे हेल्प कर रहा जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन प्लांट्स को सप्लाई कर रहा है तो प्लांट्स को क्यों सप्लाई कर रहा बोले तो प्लांट्स को नाइट्रोजन ज़रूरी है ग्रोथ के लिए अब इन रिटर्न प्लांट्स क्या कर रहे राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर दे रहे रहने के लिए जगह दे रहे तो इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट्स के जो राइज जिसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो प्लांट्स को एग्जाम्पल पी प्लांट ठीक है ना तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है तो ये रिलेशन क्या बोल रहे हैं सिम्बा बोलते फर्टिलिटी इंक्रीज इन ग्रोइंग लेग्यूम क्रॉप्स इन द फील्ड्स फार्मर्स प्लफ क्रॉप फील्ड सॉरी एलोंग विथ लेग्यूम्स ऑन द ऑनसेट ऑफ द मॉन्सून्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगई एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल डिग्रेड बायोलॉजिकल वेस्ट सम ऑफ विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स ठीक है ना द माइक्रो ऑर्गेनिजम लाइक फंगई और बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है क्या करते लिना? जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट है उसको डिग्रेड कर देते और ये असेंशियल है प्लांट्स के लिए नेक्स्ट एक्टिविटी सिक्स टेक टू पॉट्स और डिक टू पिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन एट होम और एट योर स्कूल ग्राउंड फिल दैम अपू हाफ विथ लूज सॉयल पुट सम बायोलॉजिकल वेस्ट लाइक फॉल एंड लीव्स वेजिटेबल वेस्ट वेस्ट पेपर्स एक्सेट्रा इन वन ऑफ दम फिल द सेकेंड वन विथ प्लास्टिक वेस्ट पॉलिथीन बैग सैंड विथ सम एम टी ग्लास बॉटल्स ठीक है ना क्या करना है टेक टू पॉट्स पॉट्स लेना है और डिग टू पिट्स इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन एट होम औरट योर स्कूल ग्राउंड छोटे छोटे दो पिट्स यानी छोटे गड़े करना है हमारको गार्डन uh, में या फिर स्कूल के ग्राउंड में फिल अप टू हाफ विद लूज सॉइल अब वो घड़ाओं को किससे सॉइल से भरना है गड़े, करे, गड़े कर गड़े करके निकाल रहे ना सॉइल वो सॉइल से भरना है पुट सब बायोलॉजिकल वेस्ट लाइक फॉल एंड लीव्स अब उसमें क्या क्या रखना है हमारो जो झड़ गए से पत्ते और जो वेजिटेबल्स का जो कचरा है हमारे घर में वो डालना और वेस्ट पेपर्स डालना और uh, दूसरे में क्या करना फिल द सेकेंड वन विथ एक घड़े में ये पूरी चीज़ें डालना और दूसरे घड़े में क्या डालना अब प्लास्टिक की वेस्ट आ और पॉलिथीन बैग आ और ग्लास के बॉटल आ वो ये सब उसके अंदर डाल देना और एक घड़े में ना कवर द पिट्स विथ सम लूज सॉइल फिर से उसके ऊपर थोड़ी सी लूज सॉइल डाल के कवर कर दो सॉरी भरने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करो दो भी पॉट्स के ऊपर डू दिस एवरी डे एवरी डे करना है इसको कितने तीन से चार हफ्ते तक आफ्टर थ्री टू फोर वीक्स रिमूव द अपर ऑयल फ्रॉम द पिट्स एंड ऑब्जर्व द चेंजेस वॉट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग

माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सेवरल बैक्टीरिया हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट ठीक है ना बैक्टीरिया क्या करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया आर यूजफुल इन क्लीनिंग सीवेज वाटर ऑयल स्लीक्स फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल टैंकर्स इन ओशंस दिस किल्स मेराइन एनीमल्स बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड लाइट इंट्रोड्यूसिंग ऑयल हीटिंग बैक्टीरिया कैन सेफ गार्ड एक्वाटिक मेराइन एनिमल्स फ्राम ऑयल स्लीक ठीक है ना अब हमारे आ, क्या होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी हमारे देश से दूसरे देशों को ऑयल भेजते समय क्या हो जाता शिप्स में टनस टिना रख के भेजते तेलों के तो ये टिना क्या होते थोड़े बहुत लीक होके वो ऑयल क्या हो जाता आ, सीज से ओशन से लेके जाना ना शिप्स से लेके जाते ना अपन तो वो ऑयल क्या हो जाता नीचे सीज और ओशन्स में ऑयल लीक हो जाता अब ये जो दूसरे जानवर अंदर ओशन में है जैसे कि फ़िशा वेल्स पूरे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन लोगों को क्या हो जाता है रिस्क हो जाता है लाइफ को ऑयल से उन लोगों को ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता तो इसको अवॉइड करने के लिए ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया को इन लोग क्या करते हैं वो ओशन्स में इंट्रोड्यूस करते यानी छोड़ देते तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं पूरा ऑयल खा लेते तो इससे क्या होता है वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को भी हार्मफुल नहीं है अब देखेंगे अब तक हम यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े यानी जो भी बैक्टीरिया फंगई वो जो भी है जो भी हम आपको काम में आ रहे है वैसे बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे आज हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेजम्स कैन कॉज डिसीजेज इन क्रॉप प्लान्स लाइफ स्टॉक एंड इन ह्यूमन बींगस दे ऑल्सो स्पॉयल फूड क्लोथ्स एंड मनी अदर थिंग्स माइक्रो ऑर्गेजम्स नुकसान भी पहुँचाते ठीक है ना क्या क्या करते लगा डिसीजेस प्लांट्स को डिसीजेज देते हमा को डिसीजेस देते और ह्यूमन बींग्स को और हम फूड को स्पॉयल कर देते हैं क्लोथ्स को और मैनी अदर थिंग्स तो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है ना थैंक यू